स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रोफ, मैं अस्कर जी हैं, ये ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में और ये बड़े लगन से अपनी डेयरी चला रहे हैं और आशा करते हैं कि उनकी डेयरी दूसरों के लिए मॉडल होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये देसी गाय लाए थे दो, तो उनके यहाँ साढ़ था गिरी का, तो उससे ये वो उधर वाली जो बछिया है वो उसको खा था, तो ये जो इधर वाला है ये बछड़ा है, तो ये जो सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय है और इसकी जो ब्राज़ीलियन गर्दी है वो होलस्टीन से टक्कर ले रही है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अब इस बछड़े का क्या करें। मैंने भास्कर जी को कहा है कि आप ऐसा करिए कि इस बछड़े की नसबंदी करा लीजिए, मैं इसकी नसबंदी कर दूँगा, तो ये मतलब डीलर भी नैसर्गिक संभोग से मतलब बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसा है कि ये एक इलाज है इन बछड़ों का। अभी मैं यहाँ से ये नसबंदी किए हुए बछड़े भी उपलब्ध कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत से काम में ये प्रॉब्लम होती है कि साफ वो नहीं रुकता है। तो ये देखिए इनके कान देखिए कितने बड़ा सुंदर गाय है, बहुत सी और जो ब्राज़ीलियन गिरी है वो तो करीब 40-50 लीटर दूध देती है। इनको उसका भी इसी में इनके पास भास्कर जी का है, तो अगर यही करा लेती है तो ठीक है, और यही नहीं कराती है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जैसे गाय, जब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि वो मार्च अप्रैल मई जून में ही गर्म होती है, तो ऐसा है कि उसका जो सांड है उसका भी बीज उसी टाइम बहुत अच्छा निकलता है, तो उसका नैसर्गिक रूप से संबंधन कराने में कोई वो नहीं है। और ये कि इससे हीट में आएगी, उससे हीट में आएगी, ये दवाई दे दीजिए, वो दवाई दे दीजिए, ना वो इलायची गायों में हो ठीक है, पर वो बहुत बड़ा मार्केट है बिना बात के लिए, उससे मैं कोई इतफाक नहीं रखता। आपने मेरी बात सुनी और इस बात को सोचिए कि आप बछड़े तो नसबंदी करा के अपने काम में रखिए, तो उससे आपकी